हेलो दोस्तों, एलयू क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी का फिजिक्स का पेपर है, तो पेपर से पहले आप लोग कुछ मिनट का समय देकर ये वीडियो जो है पूरा पूरा जरूर देख लीजिए कि मैं इसमें जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपने सभी तैयार कर लिए हैं या नहीं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन मिस हो गया तो उसे पेपर से पहले एक बार जरूर पढ़ लें। तो मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको मॉडल पेपर के अनुसार बताऊंगा और कुछ इसके अतिरिक्त बताऊंगा। तो कुछ मिनट का समय देकर आप ये वीडियो पूरा का पूरा जरूर देख लीजिए कि कहीं आपने ये क्वेश्चन मिस तो नहीं कर दिए हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन यहां पर लॉन्ग दिया गया है, ध्यान दीजिए, दो पीएन संधि डायोडों का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए। ये पूरा मैंने क्वेश्चन कल ही सॉल्व करवाया है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी कार्यविधि भी समझाइए यहाँ पर लिखा है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर से जरूर तैयार करेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया कि चित्र में दिए गए गेटों पी तथा क्यू के नाम बताइए तथा निर्गत सिग्नल यहाँ पर दिया गया वाई की सत्यता सारणी बनाइए। तो ये जो फिगर दिया गया इसे भी मैंने सॉल्व कराया है कल ही, तो ये वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा और इन क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने पहले ही सॉल्व कराया था, तो ये जरूर क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इसके अलावा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल ही सॉल्व कराया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसका प्रूफ जो है मैंने आपको कल सुबह ही बताया था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग तैयार करेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके स्थान पर एक क्वेश्चन आपको और भी तैयार करना है। अतिरिक्त याद रखिएगा कि अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर जो है ओम के नियम का निगमन कीजिए, या फिर कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको यह भी पढ़ना है मुक्त इलेक्ट्रॉन नियम से जो है ओम के नियम का सत्यापन, ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाया है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप पूरा तैयार कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं तैयार है तो इसे जरूर एक बार देख लें। तो जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये क्वेश्चन आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको ये भी पढ़ना है यहाँ पर कि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र यानी कि W बराबर D लैम्डा बाई D, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको तैयार करना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन लिया गया यहाँ पर कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। इसके साथ साथ आप तैयार करेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। तो अपवर्तन की व्याख्या, इसके अलावा परावर्तन की व्याख्या, ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर से जरूर तैयार कर लें। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि धारावाहिक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर से जरूर जो है तैयार करें। इसके अलावा भी आपको जैसे कि कुछ टॉपिक है, जैसे कि याद रखिएगा ब्रूस्टर नियम, ये आपको तैयार करना है। ब्रूस्टर नियम अगर आपने नहीं तैयार किया तो इसे जरूर से जरूर तैयार कर लें, यानी कि ब्रूस्टर नियम क्या होता है इसे जरूर आप तैयार करें, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, ये दोनों तैयार रखेंगे, ये भी टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए गए हैं, अगर आपने ये कोई भी क्वेश्चन छोड़ दिया है तो इसे पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर से जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आज प्रे करूंगा कि आप सभी का पेपर जो है बहुत ही अच्छा हो। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।